मैं बच्चों डॉक्टर सचिन शुक्ला और आप देख सकते हैं TLM हमने बनाया है जिसमें वाटर प्यूरीफायर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा हमने घर बनाया है और उसको देखिए किस माध्यम से बनाया है। ये हमने छोटे छोटे स्टोन और जो हमारी आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, माचिस की तीलीस होती हैं और जो बड़े पत्थर छोटे पत्थर कंक्रीट वाले होते हैं उसका यूज़ करते हुए ये पूरा हमने बनाया है और इस पर कलर किया है, जिसे आप देख सकते हैं बहुत प्यारा बना हुआ है ये। अब यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर आप देख सकते होंगे कि आपका जब पानी नदी नालों में इकट्ठा हो जाता है, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है ये बारिश का पानी, तो फिर हम देखते होंगे बच्चों कि हम मोटर की सहायता से या नलों की सहायता से हम पानी जब निकालते हैं तो वो तो साफ़ होता है, जबकि बारिश का पानी जो हमें दिखाई देता है वो गंदा मटमैला होता है। तो इसको देखिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के माध्यम से हम यहाँ कर रहे हैं, ये देख सकते हैं पहले ग्लास में बड़े पत्थर हैं और इसमें मैं गंदा पानी डाल दे रहा हूँ जिसे आप देखेंगे। अब देखिए गंदा पानी बकायदा इसके अंदर जा रहा है ये, और इसके बाद ये देखिए मिट्टी वाले रेत वाले उसमें जा रहा है और लास्ट में हम देखेंगे कि ये रुई से छन के इस वाले बर्तन में कैसा पानी हमें प्राप्त होगा, इसको हम अभी देखेंगे। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ पानी हमें देखिए यहाँ पे निकल के आ रहा है ये, जिसे आप देख पा रहे हैं ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी ये आया है पीने लायक। तो इस प्रकार से हमें बिल्कुल साफ पानी प्राप्त हो जाता है। तो ये बकायदा क्षमता है इनसे, पत्थरों के माध्यम से, छोटे पत्थरों के माध्यम से, रेत मिट्टी जो परतें होती हैं हमारी धरती की, उन परतों के माध्यम से क्षमता हुआ जब धरती के अंदर चट्टानों में इकट्ठा हो जाता है और उसको बकायदा हम नलों के माध्यम से उसका यूज़ करते हुए हम उसे बाहर मोटर का यूज़ करते हुए उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा TLM था जिसे आपके सामने दिखाया गया बच्चों, और ये वाटर प्यूरीफायर किस प्रकार से हमारा पानी प्योर होता है, शुद्ध होता है धरती के अंदर। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।